शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से गंगा नदी के किनारे बसा है मेहनती और जिंदा दिल लोगों का शहर कानपुर। आगे बढ़ने का हुत यहां भी है, पर इतना नहीं कि रिश्ता पीछे छूट जाए। आज हम आपको मिला रहे हैं इतनी तंग गलियों में रहने वाले एक खुले और बड़े दिल वाले बैंक मैनेजर सक्षम दीक्षित के परिवार से। क्यों धड़कने लगा, हाय मचलने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? सब साफ सफाई करने में, हर चीज को सही जगह रखने में, मेहमान आते होंगे और घर की हालत देखो जरा। आज सीधा करते हैं इसे हम। कीर्ति, दिल खोल के नाचने से तन और मन रहते हैं दोनों फिट, इसीलिए गाना हमेशा चुनना बिंदास सुपर हिट। कीर्ति, इस लड़की ने इतना परेशान कर रखा है मुझे, मैं क्या? कीर्ति, ब्रेक के बाद कीर्ति मिलेगी आपको दोबारा, तब तक हमारा प्यार भरा सायोनारा। तो ये है तुम्हारा फूल थ्रू, जिसकी वजह से तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, कब से चिल्ला रहे हम। मम्मी प्लीज, कितनी बार हमने कहा है, पहले चेक कर लिया करिए कि हम कहीं लाइव तो नहीं है, या हम अपने फैन से बात कर रहे हैं और वहाँ पीछे आपका माता का जाप चालू है। एकदम चुप, घर घिस घिस के साफ किए थे हम, देखो तुम क्या कर दी हो। क्या किया? मकान बहुत बुरा चलने लगी तुम्हारी, हम बता दे। मम्मी आप, मम्मी मुझे लग रहा है आप हमें बताइए हमने क्या किया। मैं बताती हूँ, आओ अभी बताती हूँ क्या किया है तुमने। हाँ छोड़िए हमारा, पहले ये बताओ कौन फैन है तुम्हारे, जिनसे सारा दिन बताती रहती हो। वही याद ही नहीं कि बड़ी बहन के लिए कितना खास दिन है आज। अरे तो हमने ऐसा क्या कर दिया कि इतना शोर मचा रही हो? अरे नाचने से कभी मना किए हैं तुम्हें? नहीं ना, पर ये तोड़फोड़ काई मचा रखी है तुमने। मेहमानों के आने से पहले तुम ये घर की हालत देख। मम्मी जादू देखो, जादू।
सब पता है हमें ये तुम्हारा जादूगर कौन है। मैं बताती हूँ, श्रद्धा, श्रद्धा बेटा बाहर आना। जी मम्मी, तो ये रहा तुम्हारा जादूगर। मिलोगे नहीं? मैं मिलवाती हूँ। नहीं मम्मी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ है? अरे नीचे आओ, सा कुछ बहुत नौटंकी हो गई। आओ मिलवाती हूँ। ती पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगी, इतनी बड़ी हो गई हो और बच्चों की तरह बिहेव करती हो। सच्ची आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, मैं बता रही हूँ। क्या किया मैंने? हाँ अभी बताती हूँ क्या। अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों की जुगलबंदी। एक रायता फैलाती है तो दूसरी उसका फैलाया सब समेट देती है। इसीलिए कह रहे थे कि कॉलेज के आखिरी साल में ये महंगे फोन और ये फुंतरू ना दिलवाओ इनको। अब देख रहे हैं पढ़ाई में कम और डांस में ज्यादा मन लग रहा है इनका। अरे क्या हो गया अगर उसने थोड़ा बहुत हमारी छूट के नतीजा है कि तुम ये सब कुछ कर रही हो। अब देखो ना, माँ को नाराज कर दिया तुमने, कितना गुस्सा आ रहा है उन्हें। मिश्रा जी का फोन है, एक मिनट। हाँ मिश्रा जी, नमस्कार। अरे कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी, आपने रिश्ता बताया तो अच्छा ही होगा ना। हाँ घर पे आने वाले हैं वो लोग। हाँ बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ बस जी, मेरी मजीशियन तीतू, थैंक यू। हेलो, नहीं 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 सर, हम अभी आ रहे हैं। जी सर, जी जी जी। क्या हुआ मम्मी, किसका फोन था? बबलू के स्कूल से फोन आया था, प्रिंसिपल सर ने अभी बुलाया। अब लड़के वाले आने वाले हैं, श्रद्धा सब तैयारियां बाकी हैं और इस लड़के ने आज ये सब करना था। कीर्ति बबलू के स्कूल जा, प्रिंसिपल सर से बात कर और फटाफट घर वापिस आ, चल जल्दी जा। भगवान, 11 बज गए। 11 बज गए मम्मी, सॉरी हम ना डिम्पी के बर्थडे के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं, अब आप लोग से बाद में बात कर। तुझे जरा भी शर्म नहीं है ना? तुम्हें पता है ना कि श्रद्धा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मम्मी मेरी बात सुनो, ये जो बर्थडे का प्लान था ना, लड़के वालों के आने से पहले का बना हुआ था। आई प्रॉमिस हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे। जो पर कुछ काम नहीं करती है लड़की, क्योंकि इसे कुछ आता जाता ही नहीं है। मम्मी आपने ना क्लियरली आज हमारा डांस नहीं देखा, लाइव डांस। अरे ये देखो क्या नाचा हमने, कोई ऐसा नाच के दिखाए पूरे कांच। नहीं 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 भैया, हमने तुम्हारा कोई डांस वांस नहीं देखा, सारा दिन ये डांस ही देखते हैं। अरे मम्मी आप आइए आइए आइए, इधर बैठो, इधर बैठ, इधर बैठ। माइक में सब बर्दाश्त करते हैं, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। मम्मी मैं जानती हूँ आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। बबलू के स्कूल मैं चली जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी। कीर्ति हाँ, तू जल्दी वापस आ जाएगी ना? हाँ 200% 200% माय फेवरेट दीदू, आई लव यू। मम्मी थोड़ा हंस भी लिया करा। बाय। बेटा तू कैसे जाएगी बबलू के स्कूल, तुम्हें खुद भी तो तैयार होना है। घर का सारा काम हो गया है और मैं बबलू के स्कूल से जल्दी आ जाऊंगी, आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए। पता नहीं कौन से पुण्य किया हमने,
जो तुम मिली, जिस घर में भी जाएगी उसे मायके की तरह स्वर्ग बना देगी। माता रानी की कृपा है कि सारी चीजें टाइम से हो गई। सुनिए सुनिए, निकलना है हमें। सुनिए, कहाँ रह गए आप? मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे भाई, आप और आपका ये मुहूर्त देखिए, हम तो बिल्कुल रेडी हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए। श्रद्धा को देखने जाना है या नहीं, मुहूर्त निकला जा रहा है। वैसे आपके दोस्त मिश्रा जी ने श्रद्धा की इतनी तारीफ की है कि अब तो हमसे रहा ही नहीं जा रहा। वैसे पंडित जी ने जाने का मुहूर्त निकाल दिया था, मैंने वरुण को भी बता दिया है, देर नहीं होनी चाहिए। बस बाकी सब आ जाए तो फिर निकलते। देखिए, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और हमें किसी भी तरह की नकारात्मक सोच आसपास भी नहीं चाहिए। आप तनुजा और अनुज को मना कर दीजिए। नैना, परिवार बढ़ने जा रहा है और परिवार वालों को आने से मना कर दूं मैं? और वैसे भी तनुजा घर की छोटी बहू है और आपकी देवरानी भी तो है। वही तो, पीछा ही नहीं छोड़ती वो हमारा। बचपन में पड़ोसन बन के और अब देवरानी बन के बस परेशानी किया है हमें। इसीलिए हमने पहले दिन ही कह दिया था कि दोनों की रसोई अलग अलग ही होगी। उस बार आपकी शर्त बिना कुछ कहे हम दोनों भाइयों ने मान ली थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा लेना। आज तनुजा और अनुज हमारे साथ चलेंगे और ऋतु भी आएगी। हाँ हाँ, पूरी नाटक मंडली ही साथ लेकर चलिए ना। वैसे भी जब से ऋतु तलाक लेकर आई है ना, तब से ऊपर मंजिल नीचे मंजिल करके नौटंकी लगाए रखती है। अब वहां पे भी दिखाए अपना जलवा। हमारा जलवा है ही देखने लायक। शुरू कर देती है। नहीं भाभी, वाह वाह, क्या खूबसूरत है आप। अब तो बड़ी ही किस्मत वाली है, खूबसूरत और कमाऊ बहू मिलने वाली है आपको। श्रद्धा, तुम इस स्कूल की एक्सेप्शनल स्टूडेंट रही हो, फैशन डिजाइनर बन गई हो, अच्छी कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ये भाई पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं है। इस महीने इसकी ये तीसरी कंप्लेंट है। क्या हुआ सर, कुछ किया इसने? स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, बट ये स्कूल में मोबाइल लेकर आता है, गाने सुनता है, इज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। सर, वो गाना नहीं, रैप था, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मेरे 100 में से 75 आए। वो भी तो दीदी को बताइए, ऐसे सिर्फ शिकायत करके बच्चों को मत सताइए। बबलू, देखा, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। अगर 3-4 महीने में इसकी पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ, श्योरली ही इज गोइंग टू फेल। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, मैं पर्सनली ध्यान रखूंगी इसका। बड़ी भाभी, हमें ये तो बताइए कि हम कैसे लग रहे लड़की वालों के यहाँ जाने के लिए। वैसे हम भी क्या सवाल पूछ रहे, हम तो हर बार अच्छे ही लगते हैं। पर ये देखिए, हमने नया सूट सिलवाया है, ये रंग जच रहा है ना हम पर। ये तनुजा कहाँ रह गई? हाँ,
बड़ी भाभी शुक्र है आ गई, आ गए हम। छोटे भाभी के जलवे भी ना अलग है। वैसे आज बहुत देर लगा दी आने में, कहीं हमसे मुकाबला तो नहीं कर रही थी? अरे नहीं नहीं, आपसे काहे करेंगे। अरे लड़की देखने जा रहे हैं अपने भतीजे के लिए, तो अच्छे से तैयार तो होंगे ना? हाँ क्यों भाभी? बड़ी भाभी आपको क्या हो गया, आपका मुंह काहे लटका हुआ है? अरे इतनी अच्छी सुंदर नौकरी करने वाली बहू मिलने वाली है आपको। क्या मतलब? गुणों और पैसों की तुलना नहीं की जाती। अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो हम ऐसे ही कह दिए। क्या है ना भाभी, कमाऊ बहू बेटी की जिम्मेदारी का बोझ आधा कर देती है। वैसे हमारा वरुण बहुत ही किस्मत वाला है। तनुजा, सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता, मेरे बेटे ने मेहनत भी बहुत की है, तब जाके किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छी नौकरी, 2 लाख रुपए की सैलरी और अब नई गाड़ी, सब कुछ अपने पैसों से किया है उसने। वरना आजकल के लड़के घर में पड़े रहते हैं और बाप के आगे हाथ फैलाते हैं। भाभी ये आप मेरे बेटे के लिए सुना रही हैं ना? अरे किसी से भी कम नहीं है मेरा बेटा। अरे बस कमी है तो एक नौकरी की, पर आज इंटरव्यू के लिए गया है और आज नौकरी भी मिल जाएगी उसे। वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अभी चलें, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। भाभी आप लोग चलिए ना, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। बोलो। अरे अभय बेटा तुम इंटरव्यू पे पहुंच तो गए हो ना? मम्मी पहुंच रहा हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे होगा तो तब जब तुम अच्छी नौकरी ला के हमारी नाक ऊंची करोगे। पता है आज नैना भाभी हमें फिर सुना रही थी वरुण के 2 लाख की सैलरी के बारे में। अभय तू ना 2.5 लाख की सैलरी ला, ताकि हम भी उन्हें अच्छे से सुना सके। हाँ ठीक है मम्मी, आपने बोल दिया, समझो दासू नौकरी मिल गई। बस आप अभी फोन रखो ना, अब बाय। चिंता मत कीजिए भाभी, अभय 13वीं बार इंटरव्यू निकाल लेगा। हाँ हाँ, किस सोच में पड़ गई आप? अरे अच्छी बहू क्या मिल गई, नैना भाभी के तो तेवर ही बदल गए। अरे इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सब किस्मत का खेल है और किस्मत किसी पल भी बदल सकती है। प्रिंसिपल सर ना बिल्कुल सही कह रहे थे बबलू, तू जरा भी फोकस नहीं है। अरे मेहनत कर, थोड़ा फोकस बढ़ा, फिर देख तुझे लाइफ में सब कुछ मिलेगा। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ, या फिर अभी भी तेरे दिमाग में वो रैप ही चल रहा है? दीदी बिना पढ़े लिखे भी लोग बन जाते हैं स्टार, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, पढ़ाई लिखाई इज बेकार। सुन ली मैंने तेरी बातें चार, अब घर चल वरना पड़ेगी मम्मी से मार। अरे वाह दीदी, आप ऐसे भी हो, हम दोनों मिलके ना रैप बैंड बनाते। दीदी रुको 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 रुको, क्या है बबलू? एक मिनट, क्या कर रहा है? अभी आता हूँ बबलू।
बटन, इतनी बड़ी बाइक नहीं दिखी तुम्हें? I'm very sorry, वो मैं इधर जा रही थी, आप सामने से आ गए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं चाहिए मैडम, आपकी तो बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना I'm sorry, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। नहीं चाहिए, आप आगे मेरी बहुत हेल्प कर चुकी हैं, अब आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगा। आप लोग क्या देख रहे हो, पिक्चर चल रही है क्या? जाओ अपना काम करो। मैडम ये देखिए आपकी हेल्प, मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। जब आप लड़कियों को स्कूटी चलाने नहीं आती है तो क्यों जिद करती हो चलाने की? देखिए जो हुआ मैं मानती हूँ उसमें मेरी गलती थी और मैं आपको सॉरी भी कह रही हूँ उसके लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी कहेंगे। मुझे अपनी स्कूटी चलानी अच्छे से आती है। जी जी मैम वो तो दिख ही रहा है, आपके इसी डेमो की वजह से ना आज मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी लेट हो गया हूँ। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको लेट हुआ, पर मुझे भी एक जरूरी काम से जाना था और अब मैं भी तो वहाँ पहुँचने में लेट हो रही। हेलो मैडम, यहीं बस होगी क्या? ट्रैफिक जाम हो रहा है, साइड में कीजिए इसे। हेलो श्रद्धा, कहाँ हो बेटा तुम? हाँ मम्मी हम लोग बस आ ही रहे। हाँ जल्दी आ जाओ। श्रद्धा को कितना टाइम लगेगा? उसी से बात कर रही थी, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? अरेंजमेंट तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है, श्रद्धा अभी तक पहुंची नहीं, लड़के वाले आने वाले होंगे। अरे आ जाएगी, टेंशन मत लो। हे भगवान लगता है वो लोग आ गए, तो चलो वेलकम करते हैं। इतने अच्छे मूड में निकला था घर से, दो मिनट में सारे मूड का सत्यानाश करती। अजीब पगलेट है यहाँ। मैम बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ। रहने दीजिए मिस्टर त्रिपाठी, इंटरव्यूज आर ओवर। मैम बट स्कूटी पकड़े जा नहीं रही है, पर बैठ के रंगबाजी करनी है मैडम को, मारा तो चांस गया ना। नमस्कार। नमस्ते। आइए ना प्लीज, आइए अंदर आइए, आप आइए आइए। श्रद्धा को और पता नहीं कितनी देर लगेगी। इसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ है ना, अब देखो कैसे मैं इसका काम खराब करूं। जैसे मेरा काम बिगड़ा ना वैसे तुम्हारा भी काम बिगड़ जाए। अबे ओए रुक, कहाँ जा रहे हैं? बबलू वापस आ, पर जल्दी आ। मना भी किया था कीर्ति को कि बाहर ना जाए, पर फोन भी नहीं उठा रही। श्रद्धा पता नहीं कहाँ है। श्रद्धा को फोन करूँ मैं? श्रद्धा दीदी आपका फोन बज रहा है। हाँ मम्मी का ही होगा, उठा। हेलो
हेलो बबलू। हाँ मम्मी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो बबलू, कहाँ हो बेटा? मेहमान आ चुके हैं। हम बस पहुँच रहे हैं। हेलो हेलो, हे भगवान, लड़के वाले आ गए और ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा घर दिखाया है। घर देखिए कितना साफ सुथरा है और कोई दिखावा भी नहीं है। ये तो है। दीक्षित जी, मैं अपने परिवार से परिचय करा दूं आपका। ये मेरी धर्मपत्नी नैना, ये मेरे छोटे भाई की पत्नी तनुजा, वो हमारी बहन रितु। नमस्ते। और ये हमारे छोटे भाई अनुज। अनुज की अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान है। अच्छा, बस पहले मुझे बोला था यहाँ आके शुरू कर। वैसे ये तो भाई साहब का बड़प्पन है, पर हमारी दुकान इतनी भी छोटी नहीं है। श्रद्धा भी बस पहुंचने वाली है, वो आज थोड़ा देर हो गई। दरअसल हमारा छोटा बेटा है ना बबलू, उसके स्कूल गई है। पूछो। आपका बेटा वरुण दिखाई नहीं दे रहा है। लीजिए, आ गया वरुण। अंकल, ये अभय मेरा कजिन और अनु चाचा का बेटा। श्रद्धा, ये हमारी बड़ी बेटी श्रद्धा है। श्रद्धा बेटा, ये कीचड़ कैसे लगा?